बियॉन्ड द सीक्रेट। सीक्रेट की तरफ जाने से पहले ऑडियंस में से कितने लोग हैं जिन्होंने सीक्रेट नाम की ये किताब पढ़ी है या ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है? ओके, तीनों दिन में आज सबसे ज्यादा लोग हैं, सो इट्स रियली गुड जेस्चर टू सी दैट सो मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग समथिंग लाइक दिस। बाकी के जो लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि सीक्रेट क्या है, हम लेक्चर सुनने आए हैं सीक्रेट बियॉन्ड द सीक्रेट। पहले सीक्रेट क्या है वो जान लेते हैं, उसके बाद हम बियॉन्ड द सीक्रेट क्या है वहां पे जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा जो लिटरेचर बिका जाता है वो लिटरेचर है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प की किताबें, सेल्फ हेल्प के लेक्चर, सेल्फ हेल्प की डीवीडीज, ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला लिटरेचर है, क्योंकि लोग ये समझ गए हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो हम बाहर जो ढूंढ रहे हैं हमें कुछ अंदर भी ढूंढना है। हम जब अपने आप को बदलते हैं तो हमारी जिंदगी वैसे बदलने लगती है, और इसी कोशिश में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या बदलना है, एग्जैक्टली मुझे मेरे विचार कैसे रखने, हाउ एम आई सपोज टू थिंक इफ आई रियली वॉन्ट द लाइफ दैट आई डिजायर, मुझे किस तरह से सोचना चाहिए, मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। सीक्रेट करें या पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बात करने वाली कोई भी किताब है, एक ही चीज के बारे में कहा जाता है कि जो हम चाहते हैं उसके बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो वो चीज हमारी जिंदगी में आ जाएगी। ये चीज जब मैंने देखी आई वॉज डेड इम्प्रेस्ड विद दिस, क्योंकि पहली बार कोई टेक्निक मिली है जिससे एक्चुअली जिंदगी बदल सकती है। और जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे हैं, दे आर फिजिसिस्ट, दे आर साइंटिस्ट, दे आर डॉक्टर्स, दे आर सो हाईली क्वालिफाइड पीपल। ऐसे लोग जब इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो समवेयर वी हैव टू बिलीव, कहीं तो हमें लगता है कि इतने बड़े लोग अगर इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सच होगा। सीक्रेट वाइल्ड फायर की तरह फैला सब जगह, लोगों ने अपनी जिंदगी जीने के तरीके बदल दिए सीक्रेट को देखकर। जो चाहते हैं, जितना पैसा चाहिए उस पैसे के चेक्स बना के, उसके बैंक जेरोक्स डमीज बना के सब जगह लगा दिए। जो गाड़ी चाहिए उसके फोटो सब जगह, कि ब्रेन को बस हैमर करते रहना है कि ये चाहिए ये चाहिए, जैसा घर चाहिए वैसे पिक्चर सब जगह बना के। दो साल बाद जब स्टैटिस्टिक्स आए कि एक्चुअली सीक्रेट जैसा कुछ दुनिया में चला या नहीं चला, द स्टैटिस्टिक्स वर शॉकिंग। ओनली 10% ऑफ पीपल कुड एक्सपीरियंस सीक्रेट। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सीक्रेट गलत था या हमने समझने में गलती की थी? इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। मुझे जब सीक्रेट हाथ में मिला, मैं बचपन से पली बड़ी हूँ एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए विचार कैसे होने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, पाप पुण्य इसके ऊपर इतना लेक्चर बचपन से सुना था, और इतना कंफ्यूजन था जिंदगी में क्योंकि इतना अच्छे तरीके से मेरे माँ बाप सब कर रहे हैं, दे आर सो रिलीजियस, दे आर सो कॉल्ड सो स्पिरिचुअल, वो इतने जेन्युइन स्टैंडर्ड्स पे अपनी जिंदगी जीते हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स थे। दो प्रॉब्लम्स से मेरी जिंदगी तब उलझ रही थी। वन वाज माय मॉम वाज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा फॉर 22 इयर्स, एंड सेकेंडली माय फादर नेवर एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल सक्सेस। मुझे इस चीज का कभी जवाब ही नहीं मिला कि इतने अच्छे लोग हैं फिर भी इनकी जिंदगी ऐसी क्यों है। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सीक्रेट जैसा कुछ जब हाथ में आया तो मुझे लगा कि शायद हम उस तरह के विचार नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ये सबको सिखाया घर में, आई ट्रेन एवरीबडी डे एंड नाइट, सब हम चारों जन बैठ के सिर्फ इसी के बारे में सोचना है, जो घर चाहिए, जो गाड़ी चाहिए, जो पैसा चाहिए, मॉम का जो रिकवरी स्टेटस चाहिए। और ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए एंड नथिंग एक्चुअली हैपेंड। इट वॉज अ वेरी बैड फीलिंग, बहुत डिप्रेशन था, क्योंकि एक कुछ ऐसा हाथ में आया एंड इवन दैट डजंट वर्क। और जितने माइंड ट्रेनर्स तब थे इन द ईयर 2008,
हर कोई सिर्फ सीक्रेट के बारे में बात कर रहा है। किसी से भी जाके मिलो, उनसे पूछो कि मैंने ये किया है, आप जो बोल रहे हैं, आप जो सिखा रहे हैं, मैंने ये किया है। और एक दो दिन नहीं किया है, 6 महीने किया है, फिर भी कर रहे हैं। कीपिंग फेथ एंड स्टिल वी आर डूइंग इट, बट कुछ नहीं बदल रहा है। छोटी छोटी चीजें इधर उधर होने लगी थी, छोटी छोटी चीजें, यानी क्या, कहीं जाना है, पता है बहुत भीड़ है तो सोचते हैं कि टाइम पे पहुंच गए हैं, यस एक्चुअली यू आर ऑन टाइम, एक्चुअली रास्ते पे भीड़ नहीं है। कहीं जाना है, पता है पार्किंग नहीं मिलता है, हमेशा प्रॉब्लम होती है, बस सोचो कि गाड़ी पार्क्ड है, ओ यस देयर वाज पार्किंग अवेलेबल। किसी के बारे में सोचते हैं तो वो इंसान कहीं ना कहीं से ऑन इट्स ओन कॉन्टैक्ट कर लेता है। कोई प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ ग्रेड्स चाहिए, ये सब चीजें हो रही थी, पर इन सब चीजों से जिंदगी नहीं बदलती। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हमको कहीं तो बूस्ट देते हैं कि ठीक है ये हो रहा है तो कुछ बड़ा भी होगा, होगा पर कब। एंड अब जैसे आज ये लेक्चर सुनने आए हैं, इन द ईयर 2008 आई अटेंडेड द सेम लेक्चर इन पुणे, क्योंकि पहली बार कोई बियॉन्ड द सीक्रेट बात कर रहा है। तब तक सब सिर्फ सीक्रेट के बारे में बात करते, नोबडी इज टॉकिंग कि एक्चुअली ये काम क्यों नहीं करता है, व्हाट इज इट। आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि आइदर दिस होल थिंग इज अ फेक कंसेप्ट, ये फ्रॉड है सब कुछ, या इट इज सो डिफिकल्ट कि ऑर्डिनरी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड व्हेन आई अटेंडेड दिस लेक्चर इट चेंज्ड माय लाइफ। इसमें जो बताया गया है, इट इज अ स्मॉल विंडो, ये पूरे एनर्जी के दुनिया को देखने का एक छोटा सा विंडो है। एक्चुअली ये पूरा जो एनर्जी की दुनिया, इट इज सो इंट्रिकेट, सो कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअली ऐसी, अगर हमें एक्चुअली अपनी जिंदगी बदलनी है तो हमें कुछ ऐसी फंडामेंटल चीजें समझनी होंगी जिससे एक्चुअली लाइफ पे असर पड़ता, जिससे मेरी जिंदगी बदली। अभी जैसे शिशिर जी ने कहा दैट ही मेट 50 फैमिलीज देयर, और उन्होंने समझा कि कितने लेवल्स पे लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किया है। सो सीक्रेट इज अ वेरी वेरी स्मॉल कंसेप्ट जो हमें सिर्फ इस दुनिया से, ये जो थॉट्स की या सेल्फ हेल्प की दुनिया है, इससे इंट्रोड्यूस करवाता है। एक्चुअली इसके बाद सब शुरू होता है। वो मिसिंग लिंक क्या है जो हमें एक्चुअली समझना जरूरी है। इतने सारे सवाल हमारे मन में होते हैं कि हम इतने जेन्यून हैं फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलता है, हम इतना हार्ड वर्क करते हैं फिर भी हमें वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। वी फील दैट वी आर सो इंटेलिजेंट एंड सो ब्रिलियंट, बट स्टिल अपॉर्चुनिटीज डोंट कम आवर वे। और कोई इंसान जो हमसे कितने सारे लेवल पे कम है, उसकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आते हैं, उसको कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, ऐसा क्यों? हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ? इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। आज दुनिया ऐसी नहीं है कि कोई हमें बताए कि ये सिर्फ धागा बांधो और तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वी नीड टू क्वेश्चन कि ये धागा बांधने से होने क्या वाला है। हम बांधते हैं, सही है, वी विल विद फुल फेथ वी विल डू इट, पर कोई ये बताए कि इसके पीछे साइंस क्या है, ये कैसे काम करेगा मेरी जिंदगी में। इट इज टाइम टू क्वेश्चन लाइफ, इट इज टाइम टू नो कि एक्चुअली किस चीज पे हमारी जिंदगी घूम रही है। और आज आपके मन में अगर ये सवाल होंगे, आप ढूंढ रहे हैं अगर इन जवाबों को, the answer will be there in today's presentation. So, to take us ahead in this journey, a magician who changed my life, मुझे नहीं पता कि अगर मैं सर से नहीं मिलती तो कितने कंफ्यूजन में जिंदगी ऐसी ही चलती रहती, मेरे मॉम की क्या हालत होती, मेरे साथ जो हुआ, what I experienced, I will share it in the later part of the program. But actually a person जिन्होंने इतना रिसर्च किया है इस चीज के ऊपर, सर जो बोलते हैं हर चीज को एक साइंटिफिक बैकिंग है, इतना रिसर्च उन्होंने किया है इस सब में। सो आई कॉल अपॉन स्टेज सर टू टेक अस अहेड इन दिस जर्नी, कि एक्चुअली हमें पता चले कि हमारी जिंदगी ऐसी है तो
वो ऐसी क्यों है और अगर इसे बदलना है तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए। Are you ready to listen to this? Yes.